सो फाइनली गाइज हम जो है गुलमर्ग पहुंच चुके हैं फॉर गंडोला राइड। तो अगर आप कश्मीर आते हैं और अगर गंडोला राइड नहीं करी तो कोई फायदा नहीं है। तो गाइज मैं आपको मम्मी का लुक दिखाती हूँ, देखो इसीलिए हम दोबारा आ गए हैं। सबसे हाईएस्ट वाला रोप भी यही होगा शायद, है ना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस फिर से आ गई हूँ मैं अपने एक नए ब्लॉग के साथ, और आज का जो ब्लॉग है वो है गुलमर्ग कश्मीर गंडोला राइड। यस गाइस, तो जब मैं कश्मीर पहुंची तो सबसे पहले जो है मैंने वहाँ पे गंडोला राइड का एक्सपीरियंस लिया। सो मेरे पिछले ब्लॉग में आपने देखा था गाइस कि मैं कश्मीर पहुँच गई थी, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी, और यहाँ मैं कलेक्ट कर रही हूँ अपना लगेज। फाइनली फ्रेंड्स हम श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। सो अभी ड्राइवर भी बाहर वेट कर रहे हैं। फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं और ड्राइवर भैया भी मिल गए हैं। सो मौसम भी अच्छा है, धूप है, नॉर्मल मौसम है। सो फाइनली थी जो जाहिर के बाद हम पहुंच गए हैं कश्मीर। सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू आर टैक्सी, और आप देख सकते हैं हमारा सामान जो है भैया लेके जा रहे हैं, और ये रही हमारी टैक्सी, और ये रहे हमारे ड्राइवर भैया, और हमारा सामान लोड हो रहा है गाड़ी में। सो फ्रेंड्स फाइनली जो है हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, और अभी हम डायरेक्टली होटल नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं घूमने। यस गाइस, बिकॉज हमारी जो गंडोला राइड है उसकी मैंने एडवांस बुकिंग कराई हुई थी। अगर हम अभी हम होटल जाते हैं तो उसका जो टाइमिंग है वो क्लैश हो जाएगा, तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना पहले घूमते फिरते हुए फिर होटल में जाते हैं। सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू गुलमर्ग गंडोला राइड के एक्सपीरियंस लेने के लिए। सो गाइज मैं अपने व्लॉग में गंडोला राइड का जो बुकिंग लिंक है वो मैं मेंशन कर रही हूँ, तो जब भी आप कश्मीर जाएँ तो प्लीज़ एडवांस में गंडोला राइड की बुकिंग ज़रूर बुक कर लें, बिकॉज वहाँ जाके आपको बहुत लंबी क्यू मिलने वाली है। तो उस क्यू से बचने के लिए बेटर है कि आप एडवांस में बुकिंग करवा लें। सो फ्रेंड्स यहाँ से जर्नी स्टार्ट हो रही है मेरी कश्मीर की, और एंड वी आर गोइंग टू गुलमर्ग, और ये कुछ नज़ारा है यहाँ पर कश्मीर का, कश्मीर की सिटी का बेसिकली। और अगर बात करूँ मैं यहाँ पे टेम्परेचर की तो गाइस ज़्यादा नहीं था, लाइक यहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी थी ना ज़्यादा ठंड था, बिल्कुल बेसिक नॉर्मल मौसम था, कभी धूप कभी छाँव। सो फ्रेंड्स यहाँ से हम परचेज कर रहे हैं लेदर के शूज़ ऊपर पथरीली पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए बेसिकली। सो फ्रेंड्स गुलमर्ग की गंडोला राइड का एक्सपीरियंस लेने के लिए और उससे भी ऊपर पहाड़ियों पर वैली पर जाने के लिए जो है यहाँ पर गाइडर की जो है नीड होती है, तो आप जब भी यहाँ पे जाएं तो एक गाइड को ज़रूर हायर कर लें। सो हमारा गाइडर इस टाइम हमारे साथ गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो अब हम जा रहे हैं ऊपर गुलमर्ग गंडोला राइड लेने के लिए। एंड यू कैन सी द वेदर गाइस, गर्मी बिल्कुल भी नहीं थी, मौसम बहुत ही अच्छा था और बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी। सो फाइनली गाइस हम जो है गुलमर्ग पहुंच चुके हैं फॉर गंडोला राइड। तो अगर आप कश्मीर आते हैं और अगर गंडोला राइड नहीं करी तो कोई फायदा नहीं है। गाइस हम क्या, धूप है, गर्मी लग रही है, लेकिन हवा ठंडी चल रही है। सो गाइस हम जैसी हालत में थे हम वैसी हालत में पहुंच गए हैं गुलमर्ग। इस पार्किंग में गाड़ी हमने खड़ी कर दी है, उससे आगे थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस है, बट वॉकिंग भी काफ़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर। तो या तो आप यहाँ पर वो हैं हॉर्स राइड है, उसकी हेल्प से भी जा सकते हैं ऊपर, और यहाँ पे शेयरिंग छोटे वाले बैटरी रिक्शा भी हैं, उसकी हेल्प से भी जा सकते हो। सो बैटरी रिक्शा में यहाँ पर पर्सन का प्राइस 100 रुपीज़ है। तो हम जा रहे हैं थोड़ा सा आगे, सो बैटरी रिक्शा ही ले लेते हैं। The color of the sky.
से मैं आपको मम्मी का लुक दिखाती हूँ, देखो। गाइस ये है ना, चुन्नी लपेट लिए, इनकी टैनिंग नहीं होगी अब। गाइस हमारे साथ जो हमारे गाइडर आए हुए हैं वो भी काफी आगे पहुंच चुके हैं, एंड हमारी जो बिल्कुल भी के नज़ारे बहुत ही मज़ेदार हैं। बस जल्दी से गंडोला राइड ले लेते हैं, उसके बाद उसके आगे बर्फ़ है उसमें इंजॉय करेंगे। सो व्लॉग में बने रहिएगा गाइस। सो गाइस हमने कर लिया है ऑटो, बिकॉज जो गंडोला राइड का डेस्टिनेशन है वो थोड़ा सा दूर है, 1-2 किलोमीटर, सो वी कांट वॉक, तो हमने ऑटो कर लिया। सो फाइनली फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं अपने गंडोला राइड की डेस्टिनेशन पर, और सामने मैं देख रही हूँ लाइन लगी हुई है, तो लेट्स सी, पहुंच के देखते हैं कि वहाँ पे क्या नज़ारे हैं, कितना हमें वेट करना पड़ेगा। सो वी आर सो मच एक्साइटेड। सो दिस इज़ द क्यू, यू कैन सी गाइस। सो हमारे पीछे भी काफ़ी लंबी लाइन लग चुकी है, और इन सब लोगों ने जो है एडवांस में बुकिंग कराई है। सो नाउ यू कैन सी गाइस कि एडवांस में बुकिंग करने के बाद भी यहाँ पर इतनी लंबी क्यू है, तो सोचिए जिनको टिकट्स अभी लेने हैं तो उनका तो नंबर आज आया ही नहीं होगा। सो ये पूरा का पूरा हाउस आप देख सकते हैं गाइज। सो फाइनली वी एंटर्ड इनसाइड एंड यू कैन सी गाइज हेयर, अंदर का जो माहौल कुछ इस टाइप का था, अंदर इतने सारे लोग थे, इतनी लंबी क्यू यहाँ पे लगी हुई है, इतने सारे जो यहाँ पे टूरिस्ट हैं गंडोला राइड का एक्सपीरियंस लेने के लिए आए हुए हैं। सो हम भी यहाँ पे पहुँच गए हैं और अपनी बारी का वेट कर रहे हैं, और आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। और ये तो अभी हाल है एडवांस में बुकिंग वालों का, तो आई डोंट थिंक सो जो ऑन द सेम डे प्लान बनाने की सोच रहे हैं, गंडोला राइड लेने की सोच रहे हैं, उनका यहाँ पे नंबर भी आएगा। शुक्र है मैंने एडवांस में बुकिंग यहाँ पे करवा ली थी, तो यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। गाइस बहुत गंदी भीड़ है, बहुत ही गंदी भीड़ है। तो फाइनली फ्रेंड्स इतनी देर लाइन में लगने के बाद जो है हमारा नंबर आ चुका है, नाउ वी आर रेडी टू टेक एक्सपीरियंस ऑफ गंडोला राइड इन गुलमर्ग कश्मीर। सो आप देख सकते हैं गाइस धीरे धीरे जो है हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और ये नज़ारा बहुत ही सुंदर है गाइस, और मौसम आप देख सकते हैं इट्स सो ब्यूटिफुल। सो बहुत ही मज़ा आ रहा है इस टाइम।
सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं धीरे धीरे हम जो है पहाड़ों के और करीब आते जा रहे हैं, और सामने पहाड़ों पे आप देख सकते हैं बर्फ। सो फ्रेंड्स, होप मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। इसी व्लॉग को मैं कंटिन्यू करूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। माय चैनल में जाट होगा व्लॉग्स। सो बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।